नमस्ते साथियों, आज हम सीखेंगे 40 कोर 60 कोर केबल इंडोर केबल के कलर कोडिंग के और उसका टर्मिनेशन के बारे में, और हम कैसे पता कर सकते हैं कि रिले पर एक दो कौन सा लिया हुआ है, टैग ब्लॉक पर एक दो कौन सा लिया हुआ है ना, 1, 11, 21, 22, 31, 32। तो ये हमारे पास देखिए साथियों, ये हमारे पास एक 60 कोर का केबल है ना। तो छीलते समय आप कैसे छीलते हैं, आप थोड़ा सा इसको इधर से चक्कू लगा के छील लीजिए, फिर धागा जिधर है उधर कर लीजिए। इसके बाद यदि केबल नहीं है तो आप धागे से इसको कितना चाहिए उतना छील सकते हैं आपको, है ना। आपको ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा चीरा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इससे आप छील सकते हैं। ठीक है, एक तरीका हो गया ये। अब इसको ग्रुपिंग करते हैं। तो ग्रुपिंग करते समय ध्यान रखिए साथियों, जहाँ ब्लू बाहर ब्लू डॉटेड है, जैसे 24 कोर केबल में करते हैं उसी तरह से ब्लू डॉटेड है, वहाँ से शुरू करेंगे, है ना। इसमें 6 कलर कोड है, तो ब्लू, रेड, ग्रे, ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक, ये आपका 6 हो गया। ठीक है, ब्लू से ये हो गया, इसको एक बंच एक कलर दे दीजिए। अब इसमें आपके पास 6 कलर है, तो एक डॉटेड ब्लू वाला से ले लीजिए, है ना। टोटल ये 10 आएगा 6-6 का। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, इसके जस्ट आगे वाला लीजिए, यहाँ से आप ब्लू रेड, यहाँ से आपका बाहर में इसको काट दीजिएगा, अच्छी तरह से पता चलेगा, है ना। ब्लू, रेड, ग्रे, ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक, 2 हो गया। इसको 2 नंबर कलर कर दीजिए रेड से। ठीक है, ओके। इसके बाद फिर ब्लू से शुरू करिए, ब्लू, रेड, ग्रे, ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक, 3 नंबर कर दीजिए। तीसरा नंबर कलर क्या है, ग्रे पकड़ लीजिए। फिर इसके बाद में आपका फिर ब्लू, रेड, ग्रे, ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक, है ना। ब्लू से शुरू करेंगे, हाँ ब्लू से ही। ये आपका हो गया 4, है ना, ये हो गया, ग्रीन से कर देंगे। अब इसमें टोटल 10 ग्रुप है, जैसे 4 का तो ये हो गया। अब मान लो पांचवा, फिर दूसरा राउंड में जब आइएगा, एक बार का हो गया, दूसरे राउंड में भी आपका यहाँ ब्लू देखने का, डॉटेड ब्लू कौन है, अंदर ये डॉटेड ब्लू है, तो यहाँ से शुरू करेंगे, ब्लू, रेड, ग्रे, ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक, है ना। ये पांचवा हो जाएगा, इसमें आप ब्राउन डाल दीजिए, है ना। फिर इसके बाद में आप और एक ले लीजिए, ब्लू, रेड, ग्रे, ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक, है ना, ये 6 हो गया। ठीक है, अब इसको आप डाल दो ब्राउन ब्लैक से। ठीक है, ये हो गया। अब बाकी जो बचा है इसका, आप यहाँ पे ये बच रहा है, इसका क्या करोगे भाई। अब इसमें क्या हो रहा है, आपका कलर कोडिंग ब्लू, रेड, ग्रे, ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक, है ना। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप दूसरा आप 40 कोर वाला रहता है ना केवल, उसका 6 कटर का काट करके इसको उसके कर देने का। यदि वो नहीं है आपके पास, आप चाहते हो कि इसी में से करना है, तो डबल पकड़ लो, ब्लू रेड पकड़ लो, पकड़ लो, 2 बार पकड़ लो। ठीक है, याद रखने का, ये हो गया 5, 6, 7 हो गया ये, है ना। फिर इसके बाद ब्लू रेड, ब्लू रेड के बाद ब्लू ग्रीन पकड़ लो, इस तरह से कलर कोडिंग अपना याद कर लो, है ना। तो इस तरह से 10 कलर कलर कर 10 कर लेना। ठीक है, 40 कोर वाला भी बता देता हूँ। अब ये देखिए 40 कोर वाला केबल है ना, तो ये नया वाला में अभी हमारा येलो, वाइट, रेड, येलो, वाइट, पिंक वाले पहले आता था पुराने में, अभी नया वाला में 8 कलर आ रहा है। हाँ, कैसे 8 कलर आ रहा है, जो इसमें 6 कलर था वो सेम के सेम ब्लू, वाइट, ब्लू, रेड, ग्रे, ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक रहेगा, और 2 एक्स्ट्रा कलर येलो वाइट आएगा, बस पिंक वॉलेट नहीं है। हाँ, ठीक है। इसका ग्रुपिंग कैसे करेंगे, डॉटेड ब्लू रख लीजिए, डॉटेड ब्लू से लेंगे बाहर में, ब्लू रेड से इधर चलेंगे, ब्लू रेड, ग्रे, ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक, येलो वाइट, है ना। ठीक है ना, यहाँ से ब्लू 8 पेयर का चलेगा, 8 का, हाँ 8 का, 8 में 4 ऊपर लगाने का, 4 नीचे लगाने का, येलो वाइट, ब्लू रेड, ग्रे, ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन, ब्लैक, येलो वाइट, येलो, है ना, ये ग्रुप हो गया, है ना। इसमें टोटल कितना ग्रुप हो जाएगा, टोटल 5 ही ग्रुप होगा, 8, 5, 40। इसमें से क्या करने का, इसमें से मान लो ये ब्लू डॉट वाला जो है, ब्लू डॉट वाला बाहर वाला केबल आपने ऊपर लाइन में लगाया, 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, है ना। अब बाकी जो लगेगा इसमें से 4 लगेगा, 71, 81, हाँ 71, 81, नहीं नहीं इसमें छूट गया आपको, 1, 11, 21, 31, 41, 51 ही रहेगा, 4 सेकेंड लाइन में लगेगा, है ना। 62, 82, 62, 72, 82, 92, क्योंकि ऐसा एक कलर का नहीं है ना, पहले 4 ही कलर आता था,
पहले इसमें चार ही कलर आता था, ब्लू रेड नहीं आता था, येलो व्हाइट पिंक ब्लैक आता था। एक लाइन में येलो व्हाइट पिंक ब्लैक लगा, दूसरा लाइन में भी येलो व्हाइट पिंक ब्लैक, तीसरा लाइन में येलो व्हाइट पिंक ब्लैक लगा, चौथे लाइन में भी येलो व्हाइट पिंक ब्लैक लगा। अब इसमें आठ कलर आ रहा है, तो भाई ब्लू रेड ग्रे ग्रीन ब्राउन ब्लैक और येलो व्हाइट आठ कलर हो गया। लेकिन एक लाइन में अपने छः तो बार ये लग जाती है, एक लाइन में चार ये लगाना पड़ता है, फिर दूसरा का ये छः लगाने का। इसमें से जो बचा हुआ चार है ग्रे ग्रीन सॉरी ब्राउन ब्लैक येलो व्हाइट वो लगा, ठीक है ग्रुपिंग। लेकिन ऐसे आठ आठ का ही करने का, ठीक है ना, पांच ग्रुप होगा, आठ पाँच चार, दो दो लाइन भरेगा। अब हम बताते हैं चलो टैग ब्लॉक पर, है ना। टैग ब्लॉक पर इस साइड आपका जंपरिंग रहता है, इस साइड केबल रहती है जो रिले साइड जाती है ना। 40 को 60 को कैसे यूज करते हैं, देखो यहाँ पर लगा है ब्लू रेड ग्रे ग्रीन ब्राउन ब्लैक। अब यहाँ चार कलर वाला केबल है 40 कोर में, येलो व्हाइट पिंक वायलेट है ना, तो चार चार है। एक पहला ग्रुप का ये लगाएंगे और उसका जो 40 कोर केबल है पहला ग्रुप का ये लगाएंगे। अब ये आठ कलर का है 40 कोर का केबल, तो क्या करेंगे, पहला ग्रुप का 60 कोर वाला में से 1 2 3 4 5 6 यहाँ लगाएंगे, 40 कोर वाला में से चार कंडक्टर यहाँ लगाएंगे, ठीक है। फिर दूसरी लाइन में क्या करेंगे, 60 कोर वाला में से दूसरा लाइन का यहाँ 1 2 3 4 5 6 लगाएंगे, दूसरा नंबर वाला जिसका कोर रहेगा बंचिंग है ना, हाँ, दो नंबर वाला। और आठ कलर वाला वायर है तो चार यहाँ लगा दिए, चार इस लाइन में लगाएंगे 40 कोर वाला, हाँ 40 कोर वाला में से, जैसे 40 कोर आठ कलर आठ कलर वाला है, हाँ, तो ब्लू रेड ग्रे ग्रीन यहाँ लगाएंगे, ब्राउन ब्लैक और येल्लो व्हाइट यहाँ लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह से करते जाएंगे 60 का, यानी कि हर ग्रुप को एक एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक यहाँ लगा देंगे 60 कोर में से। 40 कोर वाला में से यदि चार कलर वाला है तो एक नंबर बंच, दो नंबर बंच, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, छः नंबर, सात नंबर, आठ नंबर, दस नंबर यहाँ लगा देंगे। अच्छा, आपका वायरिंग किधर साइड से हुआ कैसे पता करेंगे, तो ये ब्लू रेड ग्रे ग्रीन देख के पता कर लेंगे कि हमारा वायरिंग किधर से हुआ है। कभी कभी लोग इधर से वायरिंग करते हैं, कभी इधर से वायरिंग करते हैं, एबीबी में इधर से वायरिंग करते हैं, है ना। हाँ, तो एक 11 यहाँ लगा हुआ है ब्लू रेड, एक 1 2 11 12 1 11 ब्लू यहाँ हुआ, एक में 11 में रेड लगा है, तो रिले में भी इधर 1 और 11 में लगा जाएगा, है ना। यहाँ देखो रिले के पीछे, है ना, नीचे क्या लगा है, एक लगा है, दूसरा रेड क्या लगा है, 11 लगा है ना। हाँ। इसका मतलब 1 11 उधर से है ना। यदि आप भूल भी गए कहीं, मान लो 100 का ग्रुप है, जैसे ये टैग ब्लॉक है, यहाँ देख लो, यहाँ से आप पता कर सकते हैं, ये 100 का ग्रुप है, तो देख रहे हो यहाँ ब्लू लगा है, हाँ, फिर रेड लगा है, हाँ, तो इसका मतलब क्या है, 1 11 21 22 ऐसा है ना, यहाँ से नीचे से है ना। हाँ। सीमेंस में कोई चेंज नहीं होता, सेम रहता है, 1 11 1 11 21 31 41 51 61 71 81 देख रहे हो ना, सेम कलर है, ब्लू रेड ग्रे ग्रीन ब्राउन ब्लैक येलो व्हाइट पिंक वायलेट, है ना। तो उधर भी आपका रिले के पीछे भी यहाँ सेम ऐसे रहेगा, तो ये पता कर सकते हो कि यहाँ एक, यदि एबीबी में है कन्फ्यूजन होता है तो यहाँ देख लो कौन सा है, एक नंबर ब्लू है, रेड है, ग्रे ग्रीन है। अब यहाँ मान लो ब्लू यहाँ लगाया, रेड यहाँ लगा दिया, तो समझ जाने का 1 11 21 22 इधर से ऐसा है ना, ठीक है ना। ऐसा फ्यूज ब्लॉक में होता है गड़बड़, फ्यूज ब्लॉक में क्या करते हैं, यहाँ से लगा दिए बराबर और यहाँ क्या कर दिए, ऐसा नहीं लगा करके ऐसा लगा दिए, एक ऊपर से ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। ये 1 square mm इंडोर 24 कोर का केबल है। इसका ग्रुपिंग कैसे करते हैं, सिंपली साथियों इसका क्या होता है, कभी भी केबल को आपको छिलना है तो सबसे मुँह पर थोड़ा सा कट मारिए, इसमें एक धागा होता है, धागा पकड़ करके आप इसको ऐसे खींचते जाइए, ये केबल कटती चली जाती है, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं इसे ग्रुपिंग कैसे करते हैं। इसमें 6 कलर वाला ग्रुप होता है, पुराना केबल है, तो इसमें 6 कलर आता है, 6 कलर का कंडक्टर आते हैं, तो आपको सबसे पहले जो बाहर का देखिए, इसमें 2 बाहर में ब्लू है, तो ब्लू जो डॉटेड है इस पर, जो डॉटेड डॉटेड ब्लू दिख रही है आपको, यहाँ पर आपको देखिए गौर से देखिएगा तो डॉटेड ब्लू दिख रही है ना। तो डॉटेड ब्लू वाला के पकड़ के हम इधर नहीं आएंगे, ब्लू रेड ग्रे ग्रीन ब्राउन ब्लैक उधर के तरफ चलेंगे, यानी कि हम ब्लू रेड, इसके बाद इसका ग्रे ग्रीन ब्राउन ब्राउन और ब्लैक, ये 6 अलग ले लेंगे, है ना। टोटल 6 का होता है हमारा एक ग्रुप, 24 6 4 24 होता है, इसको हम क्या करेंगे, एक ग्रुप ऐसे बना देंगे, ठीक है।
इसके बाद साथियों दूसरा जो होता है फिर यहाँ से हम ब्लू पकड़ेंगे और ब्लू रेड ग्रे ग्रीन ब्राउन ब्लैक ये हो गया आपका दूसरा ग्रुप है ना। इसको रेड से ग्रुपिंग कर देंगे, दो कलर हो गया। तीसरा जो है हमारा साथियों इसमें हमारा फिर बाहर में तीन ही कंडक्टर बचता है, कौन कौन, ग्रे ग्रीन ब्राउन ब्लैक, यानी कि शुरू वाले तीन नहीं है इसमें। तो हम फिर अंदर इसको साइड में रखेंगे इसे ही। अब हम अंदर आएंगे, अंदर वाले में जो डॉटेड ब्लू है इसमें भी देखिए दो ब्लू दिख रहे हैं, एक ब्लू और डॉटेड। तो हम सबसे पहले इसमें जो डॉटेड ब्लू है डॉटेड ब्लू वाला से पकड़ेंगे, डॉटेड ब्लू, ये डॉटेड ब्लू है, यहाँ से पकड़ेंगे ब्लू रेड ग्रे ग्रीन सेम बाहर वाले की तरह, और इस तरह से ब्राउन ब्लैक, ये हो गया आपका तीन, ये छः हो गया टोटल डॉटेड ब्लू से पकड़ के। इसका एक ग्रुप बना दीजिए, ग्रुप नंबर इसका डाल दीजिए 1 2 3, यानी कि ग्रे से इसका कर दीजिए, ब्लू रेड ग्रे हो गया। अब अंदर में आपका क्या बच गया, ब्लू रेड और ग्रे बच गया। अब बाहर वाला ग्रुप में आपको क्या बचा था, बाकी तीन कलर बचा था, ग्रीन और ब्राउन ब्लैक। तो ये आपका एक अलग ग्रुप हो गया, यानी कि ब्लू रेड ग्रे ग्रीन ब्राउन ब्लैक। तो ये छः का आप चार नंबर के हिसाब से इसका ग्रीन के हिसाब से एक ग्रुप बना लीजिए, ये चार आपके ग्रुप हो जाते हैं छः छः का, यानी कि 1 2 3 4 है ना, चार ग्रुप आपके हो जाते हैं। ठीक है साथियों,